जो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है बारिश का मौसम, इसलिए घर वालों ने फरमाइश की है कि उनको एकदम होटल जैसा खाना चाहिए। तो आज हम होटल की ही एक रेस्टोरेंट स्टाइल डिश बनाएंगे। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है दीवानी हांडी। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दीवानी हांडी बनाने के लिए हमने सबसे पहले ले लिए हांडी। मेरे पास इतनी ही बड़ी हांडी थी, इससे छोटी नहीं थी, इसलिए मैंने ये हांडी ली है। इसको चूल्हे पे चढ़ा लिया है। दीवानी हांडी के लिए हमें जो सब्जियां चाहिए, बीन्स ली है ये मैंने, शिमला मिर्च ली है, ये हमने गाजर ली है, ये हमने प्याज को डाइसेस में काट लिया है, ये गोभी ली है, ये मटर लिए हैं। तो पहले सब सब्जियों को हम फ्राई कर लेंगे। तो हांडी हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम तेल डाल देंगे। सब्जी को हम डीप फ्राई नहीं करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं पहले सबसे गोभी फ्राई करूंगी। अब हम गाजर डाल देंगे फ्राई होने के लिए। तो फ्रेंड्स, अब इसमें बीन्स डाल देंगे। साथ ही इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। मटर, तो फ्रेंड्स ये मैंने प्याज स्लाइसेस में काट रखे हैं, ये थोड़े डाल दूंगी सब्जियों में। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है प्याज का। तो अब इन्हें अच्छी तरह से फ्राई कर लीजिए। कितनी अच्छी लग रही है रंग बिरंगी सब्जियां। तो सब्जी हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, अब हम इसे निकाल लेंगे। जिस तेल में हमने सब्जियां फ्राई की है उसी तेल में हम ये प्याज डाल देंगे। इसको फ्राई करना है हमें। तो फ्रेंड्स, प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। अभी इसमें और तेल बचा हुआ है, इसमें अब हम तड़का लगा लेंगे। उसके लिए हमने लिया है जिंजर, गार्लिक, हरी मिर्च और प्याज। तो हम तड़के के लिए खड़े मसाले डाल देंगे, ये दालचीनी, तेजपत्ता, जीरा, काली मिर्च, दो हरी इलायची, दो सूखी लाल मिर्च, प्याज डाल देंगे। अब हम हांडी में अदरक डाल देंगे, ये लहसुन और ये सात हरी मिर्च। ये मैंने पांच बड़े टमाटर लिए हैं, ये पा देंगे हम प्याज में।
तो टमाटर हमारे भून चुके हैं, अब इसमें हम नमक डाल देंगे, आप अपने टेस्ट अनुसार डालिए। देखिए मिर्च, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अब हम टमाटरों में पानी डाल देंगे। अब इसमें काजू डाल देंगे, मैं पहले काजू डालना भूल गई, हम एक मुट्ठी काजू डाल देंगे। तो ग्रेवी हमारी पक चुकी है, अब हम नीचे उतारेंगे इसे। ग्रेवी को अब मिक्सी में अच्छी तरह से पीस लेंगे और साथ ही जो हमने प्याज फ्राई किए थे वो भी पीस लेंगे। अब हम उसी हांडी में थोड़ा तेल डाल देंगे। तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ लहसुन और ये थोड़े काजू के पीस डाल देंगे। अब इसे हिलाएंगे। तो लहसुन और अदरक हमारा अच्छी तरह से भून गया है, अब हम इसमें सब्जी डाल देंगे जो फ्राई की थी। अब हम इसमें ग्रेवी डाल देंगे अपनी। ये हम पानी डाल देंगे। अब हम ग्रेवी को 10 मिनट तक ढक के पकाएंगे और इसके बाद सब्जी हमारी तैयार है। तो फ्रेंड्स, अब इसमें हम कस्तूरी मेथी डाल देंगे, धनिया डाल देंगे बारीक चॉप, हमारी दीवानी हांडी बनकर तैयार है। इसमें आप चाहे तो मलाई भी ऐड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, दीवानी हांडी बनकर तैयार है, हमारी दीवानी हांडी बहुत ही स्वादिष्ट बनी है, आप भी अपने घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में और रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। बारिश का